वेलकम गाइस टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टुडे वेयर वी आर गोइंग श्लोका? वी आर गोइंग टू गोवा। गोवा? ओके। सो फ्रेंड्स प्लीज जॉइन अस इन आवर जर्नी टू गोवा। सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हैदराबाद गचीबोली। इट्स अप्रॉक्सिमेट डिस्टेंस इज अराउंड 14 आवर्स 41 मिनट्स। सो इट कम्स टू additional one and a half hour short breaks or sleeping we will do, so it will take around 16 hours. Chale. So abhi Gachibowli ORR pe hai, abhi time hua hai 6:16, to chalo main pura route bhi dikhaunga। जो मैं रूट ले रहा हूँ वो पूरा मैं दिखाऊंगा। रिंग रोड खत्म हो गया, अभी हम रिंग रोड से उतर के NH-65 पकड़ेंगे मुंबई हाईवे, हैदराबाद एंड मुंबई हाईवे। तो इसी रोड पे हमको हुमनाबाद तक जाना है, उसके बाद हुमनाबाद से लेफ्ट लेके हम कलबुर्गी रोड पकड़ेंगे। NH-65 में बताते रहेंगे बीच में रोड के बारे में, कंडीशंस के बारे में। ट्रैफिक तो बहुत है, मोस्टली ट्रक्स का ट्रैफिक ज़्यादा है क्योंकि ये मुंबई का हाईवे है, मुंबई जाने का आने का बहुत सारे ट्रक्स ही है ज़्यादा, इसीलिए ट्रैफिक भी ज़्यादा है। तो अभी हम स्टिल NH-65 में ही हैं, इसमें हमको अभी 72 किलोमीटर और जाना है जहीराबाद। जहीराबाद के बाद हुमनाबाद आएगा। राजमपेट और पेद्दापुर वहाँ तक रोड्स ठीक ठाक है, यहाँ से थोड़ा अच्छा हो गया अभी। लेफ्ट जाएंगे तो सदाशिव पेट आएगा स्ट्रेट। स्ट्रेट जाएंगे तो मुंबई हाईवे और जहीराबाद। जहीराबाद हमको अभी 38 दिखा रहा है, अभी पुणे 483। तो अभी कमकोली टोल प्लाजा क्रॉस कर चुके हैं, कमकोल है, तो इसी में हमको और 47 कमकोल 47 किलोमीटर है इसी रोड पे आगे NH-65। रोड्स तो अच्छा है, स्मूथ है अभी। बारिश ज़्यादा हो रहा है, मुंबई है 607।
ओके कितना डिस्टेंस है 6.5 किलोमीटर NH-65 पे उसके बाद नवाद रोड सेकंड टोल गेट आ गया है NH-65 पे तो इसके बाद हमको थोड़ी देर बाद लेफ्ट ले लेंगे यहाँ से मुंबई दिखा रहा है 557 तो अभी मुंबई जाएंगे या गोवा जाएंगे अभी डिसाइड कर लो गोवा ओके हम क्या करेंगे गोवा ही जाएंगे तो हमनाबाद पहुंच गए अभी 3 किलोमीटर के बाद NH-65 छोड़ के हम NH-50 पकड़ेंगे ये 4 लेन है वो NH-50 सिंगल लेन है बीच में डिवाइडर भी नहीं रहेगा तो अभी से स्टार्ट होगा मुश्किल तो अभी NH-65 छोड़ दिया है अभी लेफ्ट ले रहा है अभी तो NH-65 जा रहा है स्ट्राइट अभी लेफ्ट लिया थैंक यू तो अभी ये NH-50 है तो इस ये हुमनाबाद रोड है तो ये सिंगल लेन रोड है तो अभी मुश्किल स्टार्ट होगा अपोजिट से लाइट भी आएगा डिवाइडर भी नहीं रहेगा ये NH-50 का रोड बहुत बोरिंग है और ट्रैफिक कुछ भी नहीं है बहुत सुनसान सा रोड है आगे कोई गाड़ी आज तो कोई भी नहीं है लास्ट टाइम तो थोड़ा तो गाड़ी था आगे पीछे अभी कोई भी नहीं है तो अभी कलबुर्गी पहुंच गए हैं यहाँ से ये NH-50 है तो ये कलबुर्गी का ये जंक्शन जो है वो रिंग रोड है कलबुर्गी रिंग रोड तो NH-50 में रहना है तो राइट लेना चाहिए मगर गूगल आपको डाइवर्ट कर देगा इनर रोड से तो NH-50 कभी भी मत उतरना चाहिए और एक ऑप्शन है यहाँ से ये रिंग रोड से लेफ्ट लेके फिर हम NH-50 रिंग रोड होने के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे NH-50 में कलबुर्गी रिंग रोड खत्म हो गया वी आर बैक ऑन NH-50 लाइट डिनर हो गया सो शॉर्ट डिनर ब्रेक के बाद अभी फिर से NH-50 पे स्टार्ट हो गया जर्नी तभी बताते रहेंगे कहाँ पे जा रहे स्टिल विजयपुरा इज 112 किलोमीटर्स इट विल टेक अराउंड 2-2.5 आवर्स मोर ब्रेक ले लिया है थोड़ा मुंह भी धो लिया है थोड़ा फ्रेश हो गया और थोड़ा देर चलाएंगे यहाँ पे रोकना भी सेफ नहीं है पूरा सुनसान है थोड़ा विजयपुरा तक जाएंगे उधर थोड़ा रेस्ट ले लेंगे थोड़ी देर विजयपुरा पहुँच गए हैं यहाँ से लेना है ऊपर से जो आ रहा है फ्लाईओवर वो सोलापुर से आ रहा है जयपुरा से अभी नेक्स्ट कौन सा है बागलकोट है बागलकोट अभी बागल
सियालकोट का रोड एंटर हो गया, विजयपुर खत्म हो गया, यहाँ से बागलकोट का रोड है। ये लेफ्ट लेना है बागलकोट के लिए, फ्लाईओवर नहीं चढ़ना है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, रात को 3 बजे रुक के सो गए थे, 3 घंटा सो लिया, 6 बज रहे हैं, तो यहाँ से अभी और 6 घंटा दिखा रहा है रास्ता, 286 किलोमीटर से। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, बीच में रोक के थोड़ा ब्रश करके फ्रेश होंगे, ठीक है। पावर नैप सोचा था लेने के लिए, बट कुछ ज़्यादा ही सो गए, 3 घंटे फुल नींद आ गया। अभी हम है NH 52 पे, अभी तक हमने विजयपुरा कवर कर लिया है, अभी बागलकोट बचा है, बागलकोट बेलगावी, फिर उसके बाद चोरला घाट और शिरोली घाट, दोनों में से एक हमको सेलेक्ट करके जाना है। बागलकोट कंप्लीट करने के बाद बेलगावी रहेगा। टोटल डिस्टेंस 284 है अभी भी। सुबह का ये नज़ारे भी अलग ही रहते हैं, दोनों से पूरा फार्म सी है शुगर केन का, मैक्सिमम यहाँ पे शुगर केन का ही है। ये अभी है करंटली पाची और रायचूर हाईवे बोलते हैं इसको। अभी हम है घटप्रभा रिवर के ऊपर, ब्रिज के ऊपर है अभी। अभी बागलकोट पहुंच गए हैं, यहाँ से हमको अभी बेलगावी रोड पर पकड़ना है। तो अभी भी हम बाची और रायचूर हाईवे पे ही है, अभी भी दिखा रहा है 228 किलोमीटर, 5 आवर्स का जर्नी है स्टिल। बागलकोट और बेलगावी रोड है, पूरा जिधर भी देखो उधर ही शुगर केन ही है, पूरा शुगर केन का फार्मिंग चल रहा है इधर। तो बम लगे ना हमें तिल है। सो बेलगावी रीच हो गए, अभी भी बेलगावी में घूम रहे हैं। अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके इधर, अभी हम है कानापुर रोड पे, हाईवे 748 है ये, कानापुर हाईवे। तो अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे। तो अभी हाईवे 748 में ये कानापुर एंड शिरोली घाट को कनेक्ट करता है। अभी हमने ब्रेकफास्ट तो कर लिया है, तो अभी निकलते हैं कानापुर रोड पे। तो अभी यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 129 किलोमीटर्स है, और टाइम दिखा रहा है 3 आवर्स 20 मिनट्स। खानापुर के बाद NH 748 से उतार के अंदर से डाइवर्शन
चाह रहा है गूगल ने। रोड तो अच्छा है बट बहुत पतला है, ये फिर से जाके NH 748 को कनेक्ट करेगा इसको। ये डाइवर्शन किसी फॉरेस्ट में से जा रहा है, रोड तो वर्स्ट है, गूगल सजेस्ट कर रहा है इसमें तो मत जाइए। NH 748 में ही जाना बेटर है। स्टार्टिंग में रोड अच्छा है बट फॉरेस्ट में आने के बाद पूरा ऑफ रोडिंग ही है ऑलमोस्ट। अगर आप शिरोली घाट से जा रहे हैं ना तो ये इनर रोड तो मत लेना, पूरा ऑफ रोडिंग ही है, रोड फुल डैमेज्ड है। अनलेस आपको ऑफ रोडिंग पसंद है तो आ जाइए। ये कानापुर फॉरेस्ट है, लास्ट टाइम हमने भीमगढ़ से आए थे, वो तो फुल डेंस फॉरेस्ट है। कितना है नहीं पता अभी। ऑफ रोड टेस्टिंग ऑफ न्यू ब्रेजा गोइंग ऑन इन कानापुर फॉरेस्ट। अब जाके थोड़ा टीकुआ रोड, ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर्स पूरा रफ पैच है, पूरे गड्ढे है। अगर बारिश गिरा ना तो और भी मुश्किल है। शिरोली घाट में एंटर हो गए हैं, अभी एंटर हो चुके हैं भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फॉरेस्ट तो ठीक है बट कुछ भी एनिमल्स नहीं दिखते अभी। शिरोली घाट आधा बैडली डैमेज्ड है आधा ठीक है बट मोस्ट ऑफ द रोड इज डैमेज, बेटर अवॉइड दिस रोड। चोरला घाट कैसे है पता नहीं है बट शिरोली तो ये आज का अपडेट है बहुत डैमेज्ड है रेंज के बाद। गड्ढे पता चल रहे हैं, गाड़ी पूरा हिल रहा है। रोड तो फुल डैमेज्ड है शिरोली घाट में, तो बेटर यू डोंट टेक चोरला घाट, बहुत पैची रोड है, फुल ऑफ होल्स, पाथ होल्स बहुत सारे। गाड़ी पूरा कलर चेंज हो गया, ब्राउन दिख रहा है अभी। गाड़ी तो मस्त परफॉर्म कर रही है हाईवे पे, स्मूथ राइड है, कंफर्टेबल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। ऑलमोस्ट 600 चलाया हूँ मैं हैदराबाद से, मस्त परफॉर्मेंस दे रही है पूरा। अभी ऑफ रोडिंग का भी कंफर्ट तो अच्छा है। वेलकम बैक टू गोवा।
ऑफिशियली गोवा में एंटर हो चुके हैं अभी। अभी यहाँ से हमारा होटल कहाँ पर है? केवलासिम। कितना दूर है टोटल? वन एंड हाफ आवर दिखा रहा है, 57 किलोमीटर से। तो चलते हैं केवलासिम। अभी टाइम हो रहा है 12:58, मोस्टली 2:30 तक चले जाएंगे। बारिश के मौसम के बाद तो गोवा बहुत ग्रीन दिख रहा है। यूजुअली पेड़ ही रहते हैं नीचे, पूरा ग्रास भी अभी पूरा ग्रीन है। सो फाइनली 10 साल बाद केवलासिम पहुंच गए। तो मैं आपको ये रूट डिस्क्रिप्शन पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कौन सा रूट लिया है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि खानापुर के बाद भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मत जाना, वो रोड तो बहुत हेवीली डैमेज है। सो बेटर यू गो ऑन NH 748 ओनली। नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करेंगे। अभी होटल पहुंच के आज रेस्ट लेके फिर शाम में ऐसे घूमेंगे इधर ही केवलासिम बीच में, फिर बाद नेक्स्ट में कल का प्लान फिर नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। ठीक है, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलो थैंक यू, बाय।